प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का मैं वृंदा शर्मा अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपकी रीजनिंग की डिमांड को देखते हुए आपके लिए अब आप छोटी छोटी वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं छोटी छोटी वीडियो के अंदर आपके सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा अगली तीन से चार क्लास के अंदर आपके सारे कंसेप्ट हर टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे तो आज की क्लास के अंदर मैं दो कंसेप्ट आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ जो कि रैंकिंग टेस्ट के अंदर है यहाँ से यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं तो स्टार्ट करेंगे आज पहला कंसेप्ट जो कि रैंकिंग टेस्ट के अंदर आता है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको रीड करें सबसे पहले आप पहला सवाल दिया गया है सीता का बाएं से अठारहवा स्थान है और राइट से तीसवा स्थान है पंक्ति में कुल व्यक्ति आपसे पूछे जा रहे हैं पहले आपको सिखाऊंगा फिर इसका शॉर्टकट आपको क्लियर कराऊंगा देखिए कैसे करना है कोई पंक्ति हमारे पास है ठीक है कोई पंक्ति हमारे पास है ये हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड और इसको हम मान लेते हैं राइट साइड ठीक है मान लेते हैं लेफ्ट और राइट एक लड़की बता रहा है सीता है सीता की पोजीशन राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है सीता की पोजीशन बाएं से अठारहवीं है और सीता की पोजीशन दाएं से तीसवीं बता रहा है अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप सभी किसी भी व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से अगर आपको दिया गया हो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लो आप जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे सीता की इस साइड से अठारह और राइट से तीसवीं हमने दोनों को प्लस कर लिया जब दोनों प्लस कर लिया तो इसमें आपने क्या देखा इसमें आपने ये देखा कि सीता की जो पोजिशन है आपने बाएँ से भी काउंट कर ली और आपने दाएं से भी काउंट कर ली तो सीता की पोजिशन दो बार काउंट हो चुकी जब है हो जबकि होनी चाहिए थी एक बार तो किसी भी व्यक्ति का पोजिशन एक बार काउंट हो सकती है आपने इधर से भी काउंट कर ली इस साइड से भी काउंट कर ली तो दो बार आपने प्लस कर ली तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा अब यही इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है जी किसी भी व्यक्ति की पोजिशन अगर दोनों साइड से आपको पता हो तो दोनों साइड से पोजीशन को आप योग करेंगे और हमेशा आपको एक माइनस कर देना है दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो ये फोर्टी एट आएगा और फोर्टी एट में से वन माइनस करेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आएगा फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक तरीका मैं आपको और सिखाऊंगा क्योंकि मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर करा के छोड़ूंगा कंसेप्ट देखिए अब इस सवाल में आप देखेंगे सीता बाई से अठारहवीं पोजीशन पर है जब सीता बाई से अठारहवीं पोजीशन पर है तो सीता से पहले सत्रह बच्चे हो गए सीता की पोजीशन दाई से तीसवीं है तो इससे राइट साइड में उनतीस हो गए अब सत्रह इस साइड में और उनतीस इस साइड में और एक सीता खुद होगी सत्रह उनतीस और एक सीता खुद होगी जब आप इनको प्लस करेंगे तो टोटल आपके सामने फोर्टी आ जाएंगे परंतु मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की पोजिशन अगर दोनों साइड से आपको पता हो दोनों संख्याओं को प्लस करिए एक आपको माइनस कर देना है चलिए क्वेश्चन नंबर no आते हैं हम पे इस एक क्लास में राम का बाई से बीसवा स्थान है और दाएं से तीसवा स्थान है बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं अब देखिए इसकी पोजीशन आपको बाएं से भी पता है और इसकी पोजीशन दाएं से भी पता है दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए आप और प्लस करने के बाद आपको एक माइनस कर देना है दोनों संख्याओं को प्लस करके एक माइनस करें टोटल हो गया हमारे सामने पचास पचास में से एक माइनस करेंगे

और एक लड़का रवि है रवि का दाएं से सैतीसवा स्थान है जब रवि का दाएं से सैतीसवा स्थान है ये दूसरा कंसेप्ट आ चुका है जी आपके सामने। नंबर आपके सामने सामने नंबर सेकंड आ चुका है पहले कंसेप्ट के अंदर आपने देखा है किसी भी व्यक्ति की पोजिशन दोनों साइड से पता है दोनों को प्लस करके आप एक माइनस कर दीजिए कुल तो अस्सी छात्र है रवि का स्थान दाएं से सैतीसवा है तो अस्सी में से अगर आप सैंतीस घटाएंगे तो ये आपका बचेगा तैतालीस ठीक है भाई पूरे अस्सी छात्र हैं अस्सी छात्र में जब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सैंतीस है तो अगर आप अस्सी में से सैंतीस घटाएंगे तो इसके बाएं वाले स्थान आ जाएंगे इसका मतलब बाई साइड में टोटल तैंतालीस है परंतु रवि का नंबर बाएँ से पूछा जा रहा है ये साइड आपने बाएँ मान ली तो रवि का बाएं से स्थान जो माना जाएगा तैतालीस और एक चवालीस तो चवालीस आपको देना है अब आपको एग्जाम में करना क्या है चाहे वो बाई से पोजीशन पूछे या दाएँ से पूछे टोटल हमारे पास बच्चे हैं अस्सी अस्सी में से अगर आप सैंतीस घटा दें दाएं वाले बच्चे घटा दें तो बाई वाले आ जाएंगे तो बाएं साइड में जो बच्चे हो गए और अगले पे ये बैठा हुआ है तो इसका शॉर्टकट जवाब बनाना चाहते हैं अगर आपसे पोजिशन बाएं से पूछा पूछे दाएं, दाएं से पूछा है, टोटल में से चाहे बाएं हो या दाए हो घटाएंगे और एक आपको जोड़ देना जो कि मैंने क्लियर करा दिया तो टोटल आपके सामने आ चुके हैं चवालीस तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जी चवालीस चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं किसी भी छोर से शुरू करने पर आपका नंबर ग्यारहवा किसी भी छोर से यानी दोनों साइड से ग्यारहवा स्थान है इस साइड से भी ग्यारह बता रहा है आपको और इस साइड से भी ग्यारह बता रहा है जब किसी भी साइड से एक व्यक्ति का नंबर ग्यारह बता रहा है तो टोटल बच्चों की संख्या आएगी दोनों को प्लस करिए और एक माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके सामने ट्वेंटी वन ठीक है और एक क्वेश्चन देखते हैं चलिए ये वाला क्वेश्चन और देखें अट्ठाइस छात्रों की पंक्ति में दाएं से नीरज का स्थान बारहवा है और उसका पंक्ति में बाएं से नीरज का बाएं से स्थान कौन सा बनेगा टोटल हमारे पास अट्ठाईस बच्चे हैं भाई चलिए बच्चे लिख लेते हैं अट्ठाईस और नीरज का दाएं से बारवा स्थान है टोटल बच्चे आपके पास अट्ठाईस हैं नीरज का नंबर आपको दाएं से बता रहा है बारवा है तो इस साइड बच्चे सोलह बच्चे क्योंकि टोटल अट्ठाईस है अट्ठाईस में से बारह घटाएंगे तो बाएं वाले बच्चे आ गए तो नीरज बैठा इस पॉइंट पे तो नीरज का नंबर माना जाएगा और अगले पे नीरज बैठा हुआ है तो आंसर आपको क्या देना है सत्रह तो आज की क्लास के अंदर आपने दो कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं क्लास आपको कैसी लगी अगर आपको पसंद आती है तो दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मैथ रीजनिंग की लगातार आपको क्लासेस चैनल पर दी जा रही हैं तो आज से रीजनिंग की पहली क्लास थी छोटी छोटी क्लास और मज़ेदार क्लास आपको मिलेंगे चलिए विदा लेते हैं मिलेंगे अब कॉन्सेप्ट तीन और चार मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे थैंक यू